सियासत और पुराने सियासतदानों को घर बिठाना पड़ेगा। उनको अब वक्त आ गया है कि आप जरा रेस्ट करें, रेस्ट। अब इस मुल्क को संभालना है, इस अवाम को संभालना है, और अगर ये आपस की लड़ाइयां ऐसे ही अगर चलना है तो फिर अवाम का काम नहीं हो सकेगा। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह करके दिखाएगी कि हम ना सिर्फ हुकूमत बनाएंगे मगर सबको साथ लेके चलेंगे और इस मुल्क का तरक्की का, इस मुल्क का मुस्तकबिल का इंशाल्लाह ताला हम ख्याल करेंगे। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी खैबर पख्तूनख्वा में चूंट मुहिम की शुरुआत करे छी। एबटाबाद में जलसो, वड़े अंग में जियाला शरीक। आम चूंडन में कामयाबी माणे अवामी हुकूमत ठाईंदासीं। मुल्की मसलन जो हल सिर्फ पीपल्स पार्टी जो मंशूर है। ब्यू जमायतू पुरानी सियासत करे रही है। असाखे नई सियासत ऐं नई क्यादत की जरूरत है। बिलावल भुट्टो जरदारी जो खिताब संदस चवड़ा है। कंखे वरी वजीर आजम बणाइण बदरा जैके मौको ना मिलो उन घुर्जे अवाम मौको दी तो वायदो है। कदें अवा के मायूस न कद। इंडस्ट्री में ईंदर पैसों के बारे में न पुछण वाली पॉलिसी होने घुर्जे। असा के दौर जो पॉलिसी जारी रहन हाँ तो अज पाकिस्तान तरक्की की रफ्तार में अगते हुए हाँ। जैसे मानू तरक्की घुरन था, तालीम सेहत घुरन था तो यो संदन हक है। सहूलत फ्राहम कर रियासत की जिम्मेवारी है। आवाम के महंगाई गुर्बत का निजात दियारण असांजी जिम्मेवारी है। मुस्लिम लीग नून के कायद अगूणे वजीर आजम मियाँ नवाज शरीफ जो लाहौर में चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अहदेदार के खिताब से चवण है तो पाकिस्तानी मुआशी दुखियाई के समझन था। व्यापारी बिरादरी से मुशावरत से ही अगते वा। एवनफील्ड अल अज़ीज़िया रेफरेंस में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ पारा दाखिल अपीलू बुधड़ी लाए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार तरफा पधराई जारी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब 21 नवंबर से नवाज शरीफ की अपीलों से बुधड़ी हलाइंदा। शफाफ चूंड लाए जरूरी है तो समूरन सियासी पार्टियों के लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। नवाज शरीफ समेत जो भी चूंजी इंदो अहदे की घुर्जन मुताबिक उनके हलफ खणाने वाली जिम्मेवारी पूरी कंदस। सदर डॉक्टर आरिफ आलवी जो अमेरिकी खबरों इदारे के इंटरव्यू से चवण है तो पीटीआई चेयरमैन फौज विच में सचाव न थियण जा केतरा ही सबब हुआ। उन्हें तफसीलों में नो वन चाहे।